सो हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अगेन मैं आ गई आप सबके लिए एक न्यू वीडियो के साथ। एंड आज के इस वीडियो में आप सबके ये सब प्रोडक्ट शेयर करूंगी जो कि आपकी स्किन को काफ़ी ज़्यादा चेंज करने में हेल्प करेगा एंड काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। सो मैंने इसे यूज़ करा है एंड उसके बाद आज मैं इसका रिव्यू आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि आज के इस वीडियो में आप सबको ये प्रोडक्ट को अपने फेस पे अप्लाई करूंगी। इसीलिए आप देख सकते हो मैंने अपने फेस पर कोई भी मेकअप अप्लाई नहीं किया, जस्ट मैंने एक लिपस्टिक अप्लाई किया है ताकि कैमरे में थोड़ा सा अच्छा दिखे, इसीलिए मैंने लिपस्टिक अप्लाई किया। अदरवाइज मैंने अपने फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया है। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एक फेस सीरम। एंड ये जो फेस सीरम है काफी अच्छे ब्रांड से है, इसके जो रिव्यूज वगैरह थे वो भी काफी अच्छा था। तो चलिए मैं आपको सीरम दिखा दूँ। सो मैं आज आप सबके साथ शेयर करूंगी प्लिक्स का गुआवा ग्लो फेस सीरम। एंड ये फेस सीरम का सबसे पहले हम देख लेते हैं पैकेजिंग। सो पैकेजिंग काफी अच्छा बेबी पिंक काइंड ऑफ पैकेजिंग है, कार्डबोर्ड पैकेजिंग है इसकी। एंड प्लिक्स के जो सारे सीरम्स होते हैं उनकी पैकेजिंग कुछ इस टाइप की होती है एंड कुछ थोड़ा थोड़ा सा कलर का डिफरेंस होता है। सो ये है प्लिक्स का सीरम एंड पैकेजिंग जैसे कि मैंने बताया बेबी पिंक कलर का है। एंड यहाँ पे इनके जो कार्डबोर्ड पैकेजिंग है इसमें फुल डिटेल वगैरह भी मेंशन है इसमें, तो चलिए मैं आपको बता दूं। सो ये है प्लिक्स का गुआवा ग्लो डुई फेस सीरम। एंड इस फेस सीरम में आपको है विटामिन सी, एंड विटामिन सी इसमें 23% है जो कि काफी ज्यादा हाई अमाउंट में विटामिन सी है। एंड ये आपके फेस को काफी ज्यादा ब्राइटर हेल्दियर एंड आपके स्किन टोन को इवन आउट करने में भी हेल्प करेगी। एंड विटामिन सी से आपके फेस पे जो भी मार्क्स वगैरह है वो भी इजिली रिड्यूस होते हैं। सेकेंड जो इंग्रेडिएंट है वो है पेंटाविटिन जो कि प्लांट बेस्ड एक्सट्रैक्ट है। एंड ये जो इंग्रेडिएंट है ये भी आपके फेस के लिए काफी अच्छा है, ये आपके फेस में मॉइस्चर को लॉक करता है एंड हाइड्रेशन को भी लॉक करने में हेल्प करता है, जो कि आपकी अगर स्किन मॉइस्चर एंड हाइड्रेट रहेगी तो जिससे कि आपको पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम भी नहीं होगी एंड आपके फेस पे ब्रेकआउट्स वगैरह भी नहीं होंगे। सो पेंटाविटिन इंग्रेडिएंट आपके फेस पे 72 आवर्स तक मॉइस्चर एंड हाइड्रेशन को लॉक करके रखेगा जिससे कि आपकी स्किन पे फाइन लाइन जैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है एंड आपकी जितनी भी स्किन बैरियर है उसको भी कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। एंड जो लास्ट इंग्रेडिएंट है वो है गुआवा, एंड गुआवा का जो जूस है वो इसमें इंक्लूडेड है। एंड गुआवा का जो जूस वो आपके स्किन पे एक नेचुरल एक्सफोलिएटर की तरह वर्क करता है एंड आपकी स्किन टोन को इवन आउट करने में हेल्प करता है एंड आपकी स्किन पे जितनी भी सन डैमेजेस वगैरह है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। सो गुआवा भी काफी अच्छे इंग्रेडिएंट है आपके फेस के लिए एंड आपके फेस को हेल्दी बनाने के लिए। काफी जेन्युइन प्रोडक्ट है एंड इसमें कोई भी ऐसा हार्श केमिकल यूज नहीं है। एंड ये जो प्रोडक्ट है ये ऑल स्किन टाइप वालों को सूट हो जाने वाला है। सो आपकी स्किन टाइप कोई भी है तो आप इसे यूज कर सकते हो। एंड मुझे इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी लगती है क्योंकि इनकी जो पैकेजिंग होती है थोड़ी सी अलग लगती है एंड जैसे कि डर्मेट आपको सजेस्ट करते हैं उस टाइप की पैकेजिंग है एंड उसमें थोड़ा सा कलरफुल है। सो पैकेजिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। एंड इनकी पैकेजिंग आपको मैं इनर से भी दिखा देती हूँ। सो इनर से भी आप देख ही सकते हो काफ़ी अच्छा कलरफुल पैकेजिंग है। एंड इसके अंदर से सीरम का जो बॉटल है वो भी काफ़ी अच्छा क्यूट सा पिंक कलर का है एंड आपको शो हो रहा होगा वीडियो में। सो यहाँ पे भी इन्होंने पिक्चर्स वगैरह किया है एंड इसमें भी सेम डिटेल्स वगैरह मेंशन है। एंड ये जो बॉटल है वो ग्लास बॉटल है, सो इसे आपको थोड़ा सा संभाल के यूज करना होगा अदरवाइज ये टूट भी सकता है। एंड आपको मैं इसका सीरम दिखा दूँ तो सीरम आप देख ही सकते हो ये कुछ लाइट पिंक कलर में आपको आ जाएगा। तो सीरम आपको शो हो रहा होगा ये भी कुछ लाइट पिंक कलर में है, काफी अच्छा सीरम है एंड काफी इजिली आपके फेस पे एब्जॉर्ब हो जाता है, बहुत ही लाइट वेट है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो आपको जस्ट इसको हल्का सा ऐसे रब करना है एंड इजीली अपने फेस पे इसे अप्लाई कर देना है एंड इजीली आपके फेस पे अप्लाई हो जाता है एंड काफी अच्छा है। फ्रेग्रेंस भी इसकी काफी ज्यादा माइल्ड है तो आपको इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सो आप यहाँ पे देख ही सकते हो। सो अब मैं इसे अपने फेस पे भी अप्लाई कर लेती हूँ तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो जस्ट मुझे इसका 2 से 3 ड्रॉप लेना है। सो ये है प्लिक्स गुआवा ग्लो फेस सीरम। एंड ये जो सीरम है काफ़ी अच्छा है एंड आप इसे डे एंड नाइट दोनों टाइम यूज़ कर सकते हो एंड ये इजीली आपके फेस पे एब्जॉर्ब हो जाता है, जस्ट आपको 2 से 3 ड्रॉप लेना है। एंड इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा माइल्ड है एंड काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है तो आपको भी अपनी स्किन केयर में ये प्रोडक्ट को ऐड कर लेना चाहिए। एंड जब आप इसे अप्लाई करते हो तुरंत ही आपके फेस पे काफ़ी अच्छा सा एक ग्लो प्रोवाइड कर देता है। आप इसे चाहे तो विंटर में भी यूज़ कर सकते हो, विंटर के लिए भी काफ़ी अच्छा सीरम है। एंड आपको सबसे पहले अपने फेस पर सीरम अप्लाई करना है, देन आपको अदर कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट को अपने फेस पर अप्लाई करना है।
सो ये सीरम को मैंने अपने फेस पे अप्लाई कर लिया एंड अप्लाई करने के बाद काफी ज्यादा लाइट वेटेड है, प्लस इसकी फ्रेग्रेंस काफी ज्यादा माइल्ड है एंड काफी अच्छा सीरम है। सो इजीली आपके फेस पे ये एब्जॉर्ब हो जाता है। जैसे नॉर्मल बहुत सारे कोई सीरम ट्राई करो, बहुत सारे सीरम होते हैं जो कि आपके फेस को थोड़ा ऑयली बना देते हैं, बट ये आपके फेस को एकदम ऑयली नहीं बनाता है, इजिली आपके फेस पे एब्जॉर्ब हो जाती है। तो आपको ज्यादा इसमें मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है, काफी अच्छा सीरम है। सो आप भी सोच रहे हो अगर ट्राई करने का तो आप भी एक बार ये सीरम ट्राई कर सकते हो। फ्लिक्स में और भी काफी अलग अलग रेंज में आपको सीरम मिल जाएगी, जैसे कि एक्टिव एक्ने, एक्ने कंट्रोल, फिर ये वाला गुआवा ग्लो फेस सीरम, एंड एक आता है पिगमेंटेशन का पाइनएप्पल सीरम, एंड अभी तो और भी न्यू न्यू लॉन्च हुए तो आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग वहां से कोई भी सीरम परचेस कर सकते हो। सारे इनके जो सीरम्स होते हैं काफी लाइट वेटेड होते हैं, इजी टू एब्जॉर्ब होते हैं, एंड जो पिगमेंटेशन वाला है वो थोड़ा सा मुझे टाइम लगता है, मतलब जैसे कि नॉर्मल ये सारे सीरम इजिली एब्जॉर्ब हो जाते हैं वो भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं, बट उसमें थोड़ा सा टाइम और लगता है, एंड काफी अच्छा सीरम है। सो आप इसे डे एंड नाइट दोनों टाइम यूज कर सकते हो, एंड सीरम अप्लाई करने के बाद आपको अपने फेस पे और भी मॉइस्चराइजर वगैरह जो भी आपका स्किन केयर करना है आप कर सकते हो। एंड ये जो सीरम है आपको इसे अपने क्लीन फेस पे अप्लाई करना है, तो फर्स्ट स्टेप आपका ये होगा, एंड इसके बाद आप अपने फेस पे मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, जो भी आपकी मर्जी आप वो लगा सकते हो, बट सबसे पहला प्रोसेस आपका सीरम होगा क्योंकि आपके स्किन पे जो है ये सीरम वर्क करने वाला है। एंड ये जो सीरम इसे मैं नाइट टाइम यूज करना ज्यादा प्रीफर करती हूँ क्योंकि नाइट टाइम जो भी आप स्किन केयर करते हो वो ज्यादा इफेक्टिव होती है, एंड उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो आपके स्किन पे काफी ज्यादा शो होते हैं। सो ये जो ग्लो सीरम इसे मैं नाइट टाइम अप्लाई करती हूँ, एंड बाकी इनका और भी जो सीरम्स है वो उसे मैं दिन पे अप्लाई करती हूँ, जैसे कि पिगमेंटेशन सीरम उसे मैं दिन पे अप्लाई करती हूँ, एंड ये वाला सीरम को मैं नाइट टाइम में अपने यूज करती हूँ। काफी अच्छा है, माइल्ड फ्रेग्रेंस है, बहुत अच्छा है, लाइट वेट है। एंड ये था मेरा आज का छोटा सा रिव्यू, आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ। सो अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल होता है प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करेगा, और अगर आप मेरे चैनल पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।